नोटबंदी के बीच जारी करेंसी क्रंच के तहत जलालाबाद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लाइन में लगे 45 वर्षीय व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इससे पहले भी देश में ऐसे कई मौतें हो चुकी हैं तथा ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। नोटबंदी के इस फैसले के खिलाफ आज कांग्रेस सहित विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय आक्रोश दिवस घोषित करके धरने प्रदर्शन किए गए थे। जलालाबाद पंजाब के डिप्टी सीएम वीसी मल का चुनावी हलका है, यहां से आपके सांसद भगवंत मान आम आदमी के भी उम्मीदवार हैं। 2500 के बीच लाइन लगी हुई थी, वो लाइन चला के अंदर इतनी गर्मी बंदे सारे पसीना चोई जाता, आप अगर एसी के बीच बैठे है ने वो बीच सारे ज्यादा बाहर कार के एक एक बंदे नु लिया, आप एक एक नहीं आप एसी च बैठे बंदे 2500 रुपये का भाटा ला के लाई बैठे, फिर इन्होंने साडे अकाउंट च फोन हैगे सी, इन्हें फोन नहीं किया साडे वल, एक आदमी हैगा सी मुंडा जानता उन्हें फोन किया साडे घरे इस तरह मुंडे नू डेथ हो गई है, इन्हें अजे तक साडे वाले सुनेहा नहीं भेजा है। पहले टोकन लै गया, टोकन लैन तो बाद पेमेंट पास कराई थी, पेमेंट पास कराने तो बाद इतने जे पीछे जे आके खड़ा जी फोन आया कि कोई कस्टमर पैसे कटाना है उन्होंने डेथ हो गई है, तो मैं सिटी थाना हुंदा आया उदों इंस्पेक्टर साहब तैयार ही खड़े थे, उन्होंने नाल ही इतने ब्रांच आ गया तो आके पता लगा कि वह लाश साडे फरंडे च पई हुई सी, पुलिस थाने ने फोन कर लिया तो एंबूलेंस आ गई थी, असी तो उन्होंने परिवारक मैंबर कहता कि इन्हों डॉक्टर साहब को दिखाओ, मौसम सर्दी दे तो इसलिए असी रूटीन च नहीं चलाते, पर जो एको दम रश आ जाता है तो फिर सानू थोड़ी जी महसूस होंगी गर्मी, अदरवाइज जो हाल वेला आ जाता तो नहीं जरूरत।